इसको लूट लिया और भाई कुछ इसे डाल के, मान लियो जिस तरह कोई पंडोखर धाम है, कोई श्री धाम है, कोई बागेश्वर धाम है, उनके जिक्रिया जोरा पे है, तो भाई उसे कड़ी में मान लियो देखो जो श्यामी ताम मारा बिल्डिंग देखने लग रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एजुकेशन के बड़े बड़े हब बन गए, उसके बावजूद भी पाखंड चरम पे है, तो यू पाखंड दूर क्यों करो उसका है, उससे बारे में उसी की पड़ताल क्षेत्र आज हम पहुंचे हैं सोनीपत में। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक, और भाई इन बेटी और बाप का लाइक जो ढेक आ जाओ भाई, ये देखो ये आड़े बैठ कर कुछ ना कुछ ईसा मामला इनके, बस ये है फर्क, ये है सिर्फ जो मुल्ला मौलवी ढोंगी पाखंडी तांत्रिक और जो कुछ इस तरह के जो वह ट्रिक का इस्तेमाल करके दुनिया का किस तरह बेवकूफ़ बनावे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के मत पंथ और संप्रदायों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कोई तो बदनाम कर रहा है सनातन ने, कोई बदनाम कर रहा है इस्लाम ने, कोई बदनाम कर रहा है किसी धर्म ने, तो उससे की पोल खोलन खातर इस बाप और बेटे ने टेंडर लिया है। हालांकि टेंडरिंग का मामला भी जरूर है। रविंद्र भाई राम राम जी दर्शकों ने, राम राम भाई साहब दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और चेतना बेटे राम राम जी सभी को राम राम। पूरा नाम? मेरा नाम है चेतना जसपाल। अच्छा चलो, तो ये वही बात है, ध्यान तो देखो इस मानस ने, कैमरा मैन तीखूंगा थोड़ा नजदीक से दिखा दे, मतलब जैन की ड्रेस बदल दिया तो यह किसे पंडोखर सरकार या फिर बागेश्वर धाम या फिर ये झाड़ फूक ओ जाकरण वाले है नी, जो सिर्फ मतलब जो अपना शरीर का ढांचा तो वो है लेकिन लत्ते कपड़े बदल कर किसी न किसी मत पंथ संप्रदाय ने बदनाम करने का ठेका ले ले हैं, उन्हें की पोल खोल लेंगे आज ये। रविंद्र भाई बताओ किस तरह का ट्रिक आज दिखाओगे, जो ट्रिक का इस्तेमाल करके दुनिया को बेकूफ बनावे कुछ लोग और दुनिया जान का धन इकट्ठा कर लिया उन्हें, दुनिया जान की मूर्खता फैला दी है, तो उसकी पोल क्यों कर खोल लो। तो भाई साहब जैसे कि पोल खोलने का जो मामला है तो पूरे जोरों शोरों पर चल रहा है, मैं अपने दर्शकों ने एक सवाल देकर छोड़ना चाहूँ, मैं कुछ ऐसा परफॉर्म करूंगा या चेतना कुछ ऐसा परफॉर्म करेगी जो उसी उन लोगों से मिलता जुलता सा है। अब आपने यूं देखना है कि जब मैं या एक 13 साल की बच्ची ये चीजें कर रहे हैं, अब इसके पास तो कोई, इसने तो घोर तपस्या नहीं करी, जुगर भाई बाबा महात्मा लोग न्यू कहते हैं भाई, ये सनातन में मंत्रों की शक्ति है, ये लागे भाई वही सवाल आने लागे हैं। हाँ, तो सनातन का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, मंत्रों की शक्ति पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या इस 13 साल की बच्ची ने घोर तपस्या करी है और तपस्या करने के बाद क्या ये इसको शक्तियां प्राप्त हुई है? नहीं, ये एक स्किल है, कला है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, तो 13 साल की बच्ची चेतना जो कि उस मामले पर तय आज पर्दा उठाओगी और तुम जानते देखियो किस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करके आजकल सबसे ज़्यादा अगर नाम की अगर मैं बात करूं तो धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम, फिर कहोगे सनातन को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन सनातन की आत्मा की यदि कोई ढोंग और पाखंड कर रहा है उसको चैलेंज जरूर कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। तो चेतना ऐसा है कुछ एक चीज करके दिखाएगी, दिखाओ बेटे। जैसे कि बहुत सारे बाबा लोग ये दिखाते हैं, खासतौर पे ये जो अभी जो चल रहा है पंडोखर धाम या बागेश्वर धाम, उसमें ये एक दावा किया जाता है कि मैंने पर्चे में लिख दिया है कि अब क्या होने वाला है, ये अर्जी दे दी है और इस अर्जी पे तेरा नाम लिख दिया है, इस तरह के दावे कर रहे हैं, क्योंकि ये अर्जी भर दिया है और उस अर्जी में उसे मानस का नाम पावे है, तो कौन सी वा ट्रिक है बताओ जी चेतना। ठीक है, तो मेरे पास ये सारे अलग अलग कार्ड्स हैं, एकदम सारे अलग है, किसी पे कोई ड्राइंग बनी हुई है, कोई सिंबल बना हुआ है, कोई नेचुरल थिंग है, कोई मैनमेड थिंग है, ठीक है, सारे सारे अलग अलग कार्ड्स हैं। सो अभी आप क्या करो, इन कार्ड्स को अच्छे से शफल कर दो, ये मैं पकड़ लेता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक, ध्यान रखें, तो आप इन पत्ते अनाज छतरिया फेंट दो, शफल कर दो, हाँ मतलब बोन ब्रोटो हरियाणा भाई साहब यार, तो बाहर खींच जाओगे, ठीक है। सो अभी क्या करो, अपने मन में 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी एक नंबर मुझे बोलो, बोल दो, हाँ बोल दो, मतलब नंबर अपने मुंह से बोल दूं, आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हो बिना नंबर जाने, ठीक है, ये कार्ड्स आपने शफल किए, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सारे कार्ड्स अलग थे आपको पता है, ठीक, तो आप जो आप यहाँ प्रिडिक्शन कर दो अपनी, अपनी प्रिडिक्शन, ठीक है,
ओके तो मतलब इसने छोरी ने क्या कराया है, आपकी आंखें में देख के अंदाजा लगाया है कि आप कौन सा नंबर बोल सको हो, क्योंकि ये पत्ते मिक्स हो गए। अच्छा। हमने नहीं मेरा कौन से नंबर पे कौन सा पत्ता है, ठीक है ठीक है। अब उसने अपनी तरफ तक कोशिश करी है कि जो कुछ सेकंड बाद होने वाला है उसका पहले तो पर्चा लिख के दर दिया। ले भाई पर्चा उस बागेश्वर धाम की तरह पर्चा भर के दर दिया। ये पर्चा भाई सब कैसे आमी है, ये पर्चा दर हाँ इस पर नहीं बकायदा नहीं हाथ धर लो आप चाहो तो हाँ न्यू हाँ। अब मेरे को 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो। 8 बोल दिया। आप ये नंबर चेंज करना चाहते हो क्या इसी पे? ठीक है ये तो वही स्टाइल है भाई जो करो बागेश्वर धाम वाला का आग्रह है। बोले भाई इबे सोच लो कोई और उठाना हो तो किसी और की अर्जी का नाम देना है तो अभी बता दो, नाम बदल जाएगा अर्जी में। हाँ, क्योंकि पर्चा लिखा जा चुका है पर्चा भरा जा चुका है पहले से ही। तो भाई सर नंबर 8। हाँ नंबर 8 ठीक है। फाइनल आपकी मर्जी से बिल्कुल। बता सको इसमें 8वां पत्ता कौन सा होगा? चलो नंबर बदल दिया। हाँ कमाल कर नंबर बदल दिया भाई। ठीक है नंबर बताओ। 6.5 ठीक है 6 नंबर बदल दिया। 6 चेंज करना चाहो या 6 लॉक किया जाए कंप्यूटर दोनों कह देंगे भाई घना हो गया। ठीक है क्या आपको कोई आइडिया है 6 नंबर पे कौन सा कार्ड है? ना कोई आइडिया नहीं। आपको कोई आइडिया तब भी नहीं था जब आपने 9 नंबर बोला? नहीं। ठीक है आप मेरे साथ काउंट करो। 1 2 3 4 5 सिक्स कार्ड ये यहाँ रख दो। नंबर 6 पे है बल्ब। बल्ब ठीक है। अब देखो आप एक नंबर नीचे जाते तो परिणाम कुछ और होता। बिल्कुल। एक नंबर ऊपर जाते तो परिणाम कुछ और होता। बिल्कुल बदल जाता। लेकिन आपने बोला 6 और ये है बल्ब और ये पहले से ही यहाँ पे भाई, कोई कट नहीं लगेगा भाई। बिल्कुल एक मिनट मन ध्यान तक ठान दो। वाओ ये तो कसूता कमाल कर दिया भाई। पर्चा पहले भरा जा चुका है ये देख लो भाई। 13 साल की इस छोरी ने बागेश्वर धाम यानी के धीरेन्द्र शास्त्री को एक तरह से चैलेंज कर दिया है। सनातन को चैलेंज नहीं कराया इसने, इसने पाखंड को चैलेंज कराया है, इसने ट्रिक को चैलेंज कराया है। हमारा कहना ये है, मेरा कहना ये है, ये तो चलो अभी छोटी है उसको वो चीज शायद उतनी गंभीरता से समझ में ना आए, लेकिन भविष्य इन्हीं के कंधों पे है। बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि ये वो आप जो डिस्कस कर रहे थे भाई चक्कू है उसे चक्कू तो सलाद काट ले, उसे तो सेब काट ले और उसे तो किसी का गला काट दे। अरे एक बात और है रविंद्र भाई। हाँ। थोड़ा ही फर्क है रविंद्र और धीरेन्द्र शास्त्री जी का कपड़े पर आ दिया आपने ले हरने का। बोलो भाई पर्चा किसका भरना है? हाँ पर्चे तो मैं तड़के सांझ बनाऊ भाई साहब, कोई जरूरत नहीं। बहुत बात अभी दूर कर दो। हाँ बिल्कुल कर दो, क्योंकि मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कई खिलाड़ियों के साथ भी काम किया है, कई एक्टर्स का भी माइंड कोच रहा हूँ। तो इसके पीछे क्या? अच्छा कई लोग कहते हैं कि अगर वहां शक्ति नहीं है तो लकवे आड़ा आदमी खड़ा कैसे हो गया, उस फलाने की जो आत्मा थी वो निकल कैसे गई, इसको हिस्टीरिया बोलते हैं। इस तरीके के और भी बहुत सारे केसेस आते हैं, खैर वो एक डिटेल हो जाएगी उस पर नहीं जाते हैं। तो एक और कमाल की चीज आपको मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ भाई साहब, एक बार आप आ जाओ एक बार। अगर आप आ जाओ भाई, हमारा कैमरामैन विक्की इगरा जिसका मजबूत है जिगरा, यू भी हमारे बीच में आ लिया है। विक्की भाई पड़ताल कण खतर पहुंच रहे हैं, बागेश्वर धाम की ओर की भी पड़ताल करांगे और फिलहाल उसकी वानगी है कि भाई किस तरह की ट्रिक इस्तेमाल हुए हैं, जिस औजात तांत्रिक जिस तरह ये देवनी ऐड सोतन से छुटकारा 2 मिनट में कत्ल करवाए गड़ा हुआ धन पाए, तो ये वह ट्रिक है भाई जिस तरह दुनिया का बैंड बनावा है। ठीक है अच्छा, अब एक तो चीज होती है भाई यूं कहते हैं भाई पहले से भविष्यवाणी करके रख दी, एक दूसरा वो दावा करते हैं कि बंदे को देखते ही हम स्कैन कर लेते हैं। अच्छा मतलब ऊपर से जो है भविष्यवाणी होती है कानों में। एक मिनट रविंद्र भाई, मनीष लागू में तो केवल दावा करें और मनीष लागे है रविंद्र भाई तो स्कैन कर गया इगरा इन्हें विक्की इगरा ने। हाँ ठीक है वो विक्की भाई ने देखेंगे। विक्की भाई जी आपके शादीशुदा जीवन ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़िया जी। ठीक है विक्की भाई, अपने कोई कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड का नाम सोचो अपने मन में। नहीं कॉलेज टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी नहीं जी। हाँ। कोई छुपा हुआ प्यार मन में जो मतलब अच्छा कोई ऐसा नाम सोचो जो आपने लगता हो कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे अलावा इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये तो गड़बड़ होगी ऐसी इन्फॉर्मेशन। ऐसा नाम बना लो जो लगा भाई यो तो अभी या तो अभी। हाँ है मेरी जिंदगी का एक वाक्य है जिसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो कोई व्यक्ति है उसमें? हाँ उसका नाम है? नाम तो मैं नहीं बताऊंगा जी। अच्छा
फिर ठीक है, नाम बताया इसका। आप एक काम करो, आप बताओ मत, लिख तो सको हो, दिखाना मत आप किसी को, इतना तो कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि मेरा कहना ये है कि लिखने से वो इन्फॉर्मेशन में दो चीज़ें होंगी। पहला, आपकी बॉडी में वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मैं आपके हाथ को फील कर सकता हूँ, आपकी आंखों को देख सकता हूँ एक सेकंड के लिए। दूसरा, वो इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो जाएगी। अच्छा, बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही मारे तो। जो देखियो, मैंने तोड़ा उठ कर जाना पड़ेगा, कदे काम कर मारी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाए। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ऐसा नहीं है, विक्की भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इन पर कोई डाउट नहीं कर रहा, लेकिन एक अधिवार आदमी ने अपने घर टूटना ऐसा डरसा हो गया है, वो नो कहते भाई ना ना ना, यो नाम था ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं किसकी बात हो रही है। तो विक्की भाई, मैं और चेतना देख नहीं रहे, आप यहाँ पे वो नाम लिख के, ये से लाइन डाली मैंने यहाँ लिख के, और कार्ड को ऐसे उल्टा कर लेना अपने हाथ में, ठीक है, ये लो। अब भाई साहब आप ध्यान रखियो, हम नहीं देख रहे, आपने भी नहीं देखना है वो नाम ना। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ उधर मुंह कर ले भाई। तो भाई ये इस तरह की ट्रिक, जिस तरह उनका आग्रह नहीं, बोलिया पर्चा भर दिया रही, तो बोलिया फलानी दिव्य शक्ति है मेरे पास, और इस तरह का मामला है, उसका पटाक्षेप, उसका खुलासा जो फिलहाल होने लग रहा है मेरे साथ हुई है, उसी के बारे में लिखना है क्या? घटना नहीं, आप खाली मेरे को एक नाम लिखना है जो, ठीक है, ठीक है जी, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, उल्टा कर दिया जी, और इसको चार तालों में रख देते हैं। ले भाई, ये इधर ले भाई, स्कैनर तो नहीं हो? हाँ, कती में अपना फुल स्कैनर ले रहे हो। ले भाई, ये देखो, ये लॉक कर दिया गया है, और इब विक्की ने इसमें लिखा के है, ये ले भाई, ये डोरेमोन की गैजेट वो है, डोरेमोन की पॉकेट। दूर दूर तक कोई तरीका नहीं, ना वो यहाँ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली आपने उसको लिखा है, अपना हाथ सामने लाओ, ये यहाँ रखो ऐसे, और मेरी तरफ देखो जी। उस जो भी वो व्यक्ति है, औरत है या आदमी है, उसकी एक छवि बनाओ अपने दिमाग में। ये आपके रिलेटिव हैं कोई जी? अच्छा, ये एक लेडी का नाम है, और जब मैं एक लेडी के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि उसका नाम आपने बड़ी रिस्पेक्ट से लिखा है, लेकिन लोग सिर्फ फर्स्ट नाम से बुलाते हैं उसको, है ना? आपने तो पूरा लिखा है, और ये एक बहुत ही भावनात्मक चीज है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। हालांकि मिस कर रहे हो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन इस पे हम, आप, मैं, दुनिया की कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, ओमी देवी जहाँ कहीं भी हैं, अरे बाप रे, कुमार जी, देखिए वर देखियो, जहाँ कहीं भी हैं, सही बता भाई, भगवान का समझे, तुम कमाल कर दिया जी, कैसे कराया, कुकर कराया। ये तो एक बात, रविंद्र भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपने मतलब कैसे, ये देखो भाई, ले भाई, वाक्य में मतलब जमा कमाल कर दिया, बिल्कुल ये जमा हद हो गया, तो बिल्कुल जमा आज से भी आगे। आप क्या मिस करते हो लास्ट के टाइम? बोला बागेश्वर धाम की जय, वो न्यू जय बोल रहे हैं, आज की तो जय, हम बिल्कुल सम्मान पूजा करते हैं, इष्ट देव हैं भगवान, देवी देवताओं का सम्मान करना, पूजा पाठ करना, हम उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। यही ट्रिक दिखा के अगर मैं शो चला रहा हूँ, और इसी ट्रिक को दिखा के मैं यूं कह दूं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट आ जाओ, बड़े बड़े वैज्ञानिक आ जाओ, और मैं तुम्हारी बीमारी बता दूंगा और तुम्हारी दिक्कतें बता दूंगा, ये तो यही तो कैसे किया है सर ये, मतलब ये तो ये नाम सिर्फ यहाँ था, मेरे मन में भी नहीं पता था, कमाल की बात है, सही बता रहा हूँ मैं, ये हमेशा दिल में रहता है, और ये मेरी माँ का नाम है, और हमेशा मैं फर्स्ट वो व्यक्ति हूँ जो हमेशा मेरी माँ का नाम पूरा लेता हूँ, ओमी देवी, तेरा बोला जी, मेरे पिताजी ने बिन लिया आज तक। मैं कह रहा था ना, क्योंकि जब मैंने, रविंद्र भाई मैं तो फैन हो गया आपका, मैं भी भाई तो कह रहा हूँ भाई ये यार बागेश्वर धाम जाने की जरूरत को नहीं भाई वाक्य मतलब गजब कर दिया आपने। तो भाई जो भी थारी हरी बीमारी हो, जो किसी ने निपटती हो, मेरे द्वारा आ जाओ, मैं बता दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। चलो, हम स्किल्ड
ये मैं इसको स्किल कहता हूँ, साइकोलॉजी क्वालिफिकेशन एक बार और बता दो दर्शकों ने। तो वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ और इसके अलावा मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में भी मेरे पास सर्टिफिकेशन है। तो मैं इस तरीके के केसेस में डील करता रहता हूँ रेगुलर बेस। लेकिन फिलहाल यह जो घटनाक्रम है ये मेरी जिंदगी में पहली आंखों देखी घटना है भाई, मेरी जिंदगी की पहली आंखों देखी घटना है जिसने बस यू फर्क यू रह गया के ने जर्सी जुर्सी डाल रखी है और मैंने 5100 की पर्ची नहीं काटी। मैंने जो है मृत आदमी का नाम बताने की 5100 की पर्ची नहीं काटी, नहीं तो अगर मैंने वो न्यू पर्ची काटी होती तो मैं नाम भी बताता और न्यू भी बताता कि भाई तू फलाने फलाने दिन जाकर फलानी फलानी चीज का दान कर जब तू ठीक होगा और जब सारी समस्या। तो रविंद्र भाई कुछ और भी दिखाने वाले हो? हाँ कुछ और कहोगे तो कुछ और दिखा देंगे। चलो एक काम करते हैं, एक झटका और देखो भाई किस तरह से ये एक एजुकेशन है, एजुकेशन है। जिस तरह मैंने तारती सरोज वीडियो हुई थी एक बिल्डिंग दिखाई थी भाई, कुछ इसी तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बन गई लेकिन इन पाखंड और ढोंग तक छुटकारा चुकर पाया जावे उसका तरीका भी लग ढंग तक नहीं बता पा रहे जो कि रविंदर जी बताने लग रहे हैं। तो ये मेरे पास एक डाइस है, इस पे 6 रंग है अलग अलग, बिल्कुल 6 कलर है, नंबर भी लिखे हैं बकायदा है, रेड ग्रीन, किसने रंग का नहीं भरा नंबर, नंबर सोच ले भाई। तो मैं अपना मुंह ऐसे घुमा लेता हूँ, आपको कोई भी एक कलर जो पसंद का हो रख के ऊपर होना चाहिए आपका कलर और फिर ढक्कन बंद कर देना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम नहीं खींचेंगे। क्या आपको इसमें कहीं से कुछ दिखाई दे रहा है? अच्छे से चेक कर लो, ढक्कन वक्कन ये वो सब चेक कर लो, सब बजा के चेक कर लो, कुछ आवाज आती हो सुनाई देता हो, सिर्फ उसी की आवाज है ना, मतलब वो तो आओगे खटखट की आवाज तो आओगी भाई साहब। ये लो, ये देखो आवाज आनी बंद होगी, बिल्कुल ठीक बात है, आवाज तो आएगी। लो भाई साहब डाल दे भाई, उधर देखो चेक कर ले, मैं भी देखता भाई। वाक्य में बहुत गजब की और ऐसी चीजें भाई जिस तक की याना स्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे ने पाखंड तक छुटकारा मिल सका है। देखो हमारी 5 सेंसेस होती हैं। सबसे पहली सेंस होती है विजन, आपने उसको बंद कर दिया, इतना सीधा हो गया तो विजन आपने बंद कर दिया, वो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी होती है स्मेल, अब इसमें हर कलर की अपनी एक स्मेल होती है सारे इसमें है, कोई भी तीसरा होता है साउंड। तो अगर मैं कोशिश करूँ साउंड की, आई डोंट नो मैं समझ पा रहा हूँ नहीं, लेकिन उस कलर के बारे में सोचना एक बार। भाई साहब वैसे आपने येलो कलर पैर भी रखा है और येलो इसमें भी रख दिया आपने। बोलाओ जी, ये देखो भाई बताओ के चमत्कार तो कम है, कमाल ले कर दिया, चौंक गए, गजब चौंक गया जी, मतलब वो निकाह कर रहे चेला बन गया जी आपका। दनवत हो जी वो न्यू चेले बढ़ावा है, न्यू भीड़ हो जी है, बस फर्क यू है भाई ओड़ा दरबार लाग गया है और आड़े दरबार को नहीं, यो फर्क रविंद्र भाई। बस इतना ही फर्क है भाई साहब। और भाई इस तभी ज्यादा गुण इस 13 साल की बिटिया में भरे पड़े हैं और यह बिटिया जो है पीछे काफी वीडियो इसकी वायरल हो रही है जिस पे इसने अपने इंस्टाग्राम पे कई सारे पाखंड डोंग डकोसले की पोल खोल रखी है। के नाम बेटे चैनल का? मिस्ट्री मॉन्गर्स। मिस्ट्री मॉन्गर्स, मिस्ट्री तो हो गया रहस्य, मिस्ट्री मॉन्गर्स मतलब रहस्य के सौदागर, रहस्य के सौदागर। यह देख लो भाई ये रहस्य के सौदागर है। अब वह बात है अगर इन्हीं ट्रिक का इस्तेमाल ये धन इकट्ठा करने खातर लग जाए या पाखंड फैलाने खातर लग जाए तो भाई पीछे बरसों लग जाए इनके ऊपर, लेकिन इनने ठेका लिया है समाज से पाखंड को खत्म करने का। वाक्य में संसार क्रांति समूह ऐसे क्रांतिकारी परिवार को सैल्यूट करे है। 13 साल की यह जो बिटिया है चेतना, वाक्य में नाम भी करके ना सोच समझ कर रख रखा है, इसकी चेतना जागृत हो रही है पाखंड को खत्म करने के लिए। और रविंद्र भाई वाक्य में सैल्यूट है संसार क्रांति समूह की तरफ से, बिल्कुल आप लोग और अच्छा काम कर रहे हो। दर्शक ने एक बात जरूर कहेंगे, इस वीडियो ने पूरा देखियो और दुराग्रह ने दुराग्रह की जो कठड़ी है उसने खुंटी पर टैंक का जीप देखियो,
मन में तय सारे छल कपट दूर करके जिब इस वीडियो ने देखियो, इस वीडियो के दिखाण के पीछे मारा मकसद सनातन या फिर अन्य मत पंथ संप्रदायों के अंदर जो डोंगड कौशले फैल गए हैं उनको दूर करना है, ना कि किसी मत पंथ संप्रदाय या मजहब को बदनाम करना। ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो भाई वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि पाखंड हो सके दूर और मजा आवे भरपूर। और मिस्ट्री मॉन्गर्स पे आइयो जरूर ताकि मारा भी हौसला सा बना रहे। और भाई आप थारी बेटी हरियाणा की है, इसने अच्छा हरियाणा में हमेशा खिलाड़ी विद्यार्थी सब कुछ हुए, मेरे ख्याल में ये पहली बार ऐसा है। पिछली बार आपने बताई थी भाई हरियाणा की, हाँ पहली ऐसी बेटी जो इस तरीके का मैजिक करे। बिल्कुल हरियाणा की जादूगरनी है भाई, सोनीपत की बेटी और चेतना जसपाल। वाक्य में बहुत कुछ आज पटाक्षेप होया भाई, आर यू सोक्ड है, इसका झटका लग गया अभी की गिरा गए। मैं तो सोच चुका हूँ चलो भाई मान लो गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, अरे मैं नहीं कह रहा कि भाई टीवी पे कह रहा हूँ, वाक्य में नहीं थी। अरे भाई मतलब मैंने माँ का नाम कहीं आपने वो तो नहीं है भाई, भाई कई बंदे नाम कमाने का उसमें या फिर भाई कल ना मैं बदनाम ना हो जाऊँ उसका चक्कर में मैंने माँ का नाम लिख दिया हो। नहीं जैसे मैंने आपका हाथ पकड़ा ना मेरे को एकदम भारी इमोशन आए जी, और वो इतने भारी थे, मैं अगर दो बातें और बोलता ना आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो इतना भारी मुझे फील हो रहा था वो इमोशन इतना ज्यादा। ये दृश्य बहन पर छोड़ के जान लग रहे हैं वो भी ठीक है, मैं मान गया जी आप सीधा नूब कैश को भाई इतने त्रिमा का नाम लिखा, लेकिन आपने करेक्ट ऐसे कैसे बता दिया, आपने उम्मीद नहीं लिखा। यही तो ये यही से तो कृपाणी शुरू होती है, ये पर्चा भर गया भाई, ये बता सकते थे भाई इतने त्रिमा का नाम लिखा है मैं मान जाता भाई, हाँ भाई कुछ ना कुछ, लेकिन आपने करेक्ट ये कैसे बताया मेरे को उम्मीद। देखो आश्चर्य की बात यह है कि मन ने भी इसकी माँ का नाम कौन बीरा था भाई, बिल्कुल यह बात कमाल की होगी। तो भाई बिल्कुल अनकट वीडियो है, पूरी देखियो जिला के देखियो, शेयर कर दियो ताकि अपने देश में तब पाखंड और अंधकार दूर हो सके, कर दियो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।